वेलकम डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कर रहे हैं एन अकेटमी ऑफ करेज का इंग्लिश वर्कशॉप पहला सवाल है मैच द फॉलोइंग ग्रुप ए जो चीजें लिखी गई हैं उन्हें ग्रुप बी से मैच करना है कैलीलियो द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थ्री हंड्रेड इयर्स बिफोर हॉकिंग सेकेंड डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी black holes the concept which helped होल्स to get his phd स्टीफन favorite subjects music and mathematics इस वेब चार्ट में हमें डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की क्वालिटीज लिखनी है उनकी खूबियां बतानी है करेजिस यानी वो बहादुर थे हिम्मत वाले थे इंटेलिजेंट अकलमंद थे दानिशमंद थे ऑप्टिमिस्टिक हमेशा पुरुद रहते थे पॉजिटिव रहते थे ग्रेट ऑथर उन्होंने बहुत सी अच्छी और मशहूर किताबें लिखी हैं डाउन टू अर्थ वो बहुत ही साधे थे हकीकत पसंद थे और हम्बल थे बहुत ही आजिज थे यानी उन्हें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं था किसी भी चीज़ का वो दिखावा नहीं करते थे

कि पहले उनकी पैदाइश की बात हुई अब उनके टीन एज की बात है कि एट द एज ऑफ सेवनटीन स्टीफन नोटिस दैट ही फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रीज़न फिर इसके बाद है ई द डिज़ीज़ वर्कड इट्स वे इन टू स्टीफनस बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड फिर उनकी बीमारी के बारे में पता चलता है फिर जी स्टीफन वर्स डायग्नोस्ड विद अ रेयर डिजीज़ ए एल एस और एल ओ यू फिर उन्हें पता चलता है कि उस बीमारी का नाम क्या है फिर उसके बाद स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विथ रिन्यूड विगर फिर बीमार होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी फिर उसके बाद है दो कन्फाइन टू अ व्हील चेयर ही वर्कड ऑन कंप्यूटर एंड एक्सप्रेसड हिज थाट्स कि उसके बाद फिर वो व्हील चेयर पर परमानेंटली आ गए और वो कंप्यूटर के जरिए अपने जो ख्याल है लोगों तक पहुंचाते थे फिर भी ही बिकेम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड अ मेम्बर ऑफ द यू नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की फिर वो रॉयल सोसाइटी के और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर बन गए एंड लास्ट ही बिलीव दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स होमोग्राफ्स होमोग्राफ्स क्या होते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट Homographs अलफ़ों की ऐसी जोड़ियाँ होती हैं जिनकी जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है उनका जो तलफ़ होता है उनकी जो आवाज़ होती है वो भी सेम होती है लेकिन उनका जो मीनिंग होता है उनके जो मानी होते हैं वो अलग होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यानी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हवालों में उनका जो मतलब है वो अलग होता है यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमें दिया गया है वॉच जिसका एक मतलब होता है ऑब्ज़र्व करना मुशाहिदा करना किसी चीज को गौर से देखना और दूसरा जो इसका मतलब है वो है डिवाइस दैट शोस टाइम यानी जो हमारी घड़ी होती है और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स भी देख सकते हैं यूज द फॉलोइंग टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट अब जो ये नीचे हमें वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें अलग अलग हवालों से लिखना है कपल, इसका दूसरा मतलब होता है पैर यानी जोड़ी और कपल का दूसरा और मीनिंग क्या होता है लिंक यानी कड़ी दो चीज़ों के बीच की कड़ी माइंड यानी इंटेलेक्ट, यानी अकल और माइंड का एक और मतलब होता है टू शो कंसर्न और वरी यानी फिक्र दिखाना या एतराज़ करना उसे भी माइंड कहते हैं स्पेस यानी एरिया इलाका और स्पेस का दूसरा मीनिंग क्या है डिस्टेंस यानी दो चीज़ों के दरमियान का जो फासला होता है साउंड साउंड यानी टोन एक किस्म की आवाज़ और साउंड का दूसरा मीनिंग क्या है इम्प्रेशन गुड और बैड यानी किसी का तासुर प्रभाव अच्छा या बुरा जैसे मिसाल के तौर पे ही इज़ ऑफ गुड हेल्थ कहना है अगर आपको तो आप ये भी कह सकते हैं ही इज़ ऑफ साउंड हेल्थ ट ऑफ राइट और लेफ्ट का दूसरा मीनिंग क्या है पास टेंस ऑफ लीव या गॉन यानी leave हम कहते है जाओ और लेफ्ट चला गया हम होमोग्राफ्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं कपल पेर इसका जो पहला वर्ड है आई है कपल ऑफ शर्ट्स मेरे पास शर्ट्स की जोड़ी है लिंक

द साउंड ऑफ रेन इज वेरी पीसफुल बारिश की जो आवाज है बहुत पुरसकून है इम्प्रेशन शी साउंड वेरी हैप्पी या फिर शी साउंड सैड यानी कि वो बहुत खुश लग रही है यानी जो उसकी आवाज से जब वो बात कर रही है तो हमें समझ में आता है कि वो खुश है तो हम कह सकते हैं कि शी साउंड वेरी हैप्पी या फिर आप कह सकते हैं कि शी साउंड सैड फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेसिस इन योर ओन सेंटें जो नीचे हमें अल्फाज दिए गए हैं या जुमले दिए गए हैं उनकेट किस्मत का खेल की एक अजीब चीज होना एक ऐसी चीज होना जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी सेंटेंस बाई कर्क ऑफ फेट ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल गॉट एडमिशन इन द सेम कॉलेज कि किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि सारे दोस्तों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया। By the work of fate, the business man lost all his money कि यहाँ पर जो है किस्मत के खेल से यहाँ पर बुरी किस्मत थी कि जो बिजनेसमैन है उसने अपने सारे पैसे खो दिए। Confined to to be restricted in an area किसी इलाके में मेहदूद होना। Due to the lockdown, everyone was confined to their homes कि लॉकडाउन की वजह से सबको अपने घरों में बंद होना पड़ा उसमें जो है महदूद होना पड़ा ड्यू टू बेड कि बहुत बुरे एक्सीडेंट की वजह से अब अपने बेड पर ही पड़े रहना पड़ता है, तो वो उस इलाके में महदूद है देन इट रियली इज यानी बड़ा चढ़ा कर बोलना टू सी दैट एलियंस विल ऑक्यूफाई दी अर्थ सून जेशन कि ये कहना कि एलियंस जो है वो हमारे अर्थ को धरती को उस पर कब्जा कर लेंगे ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात है एक्जेजन लीड्स टू रॉन्ग कंक्लूजन कि एक्जेजरेट करने से बड़ा चढ़ा बढ़ा चढ़ा कर कोई भी चीज कहने से जो नतीजा है वो गलत निकलता है एपिटेमी अ पर्सन or थिंग दैट इज अ परफेक्ट example ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप कि एपिडेमी किसे कहते हैं एक ऐसा इंसान या चीज जो किसी खूबी या किसी किस्म का सबसे बेहतरीन मिसाल हो मेरी कॉम इज एन एपिडेमी ऑफ हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन तो मेरी कॉम जो है हार्डवर्क यानी मेहनत और डिटर्मिनेशन अजम की एपिडेमी है नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी इज एन एपिडेमी ऑफ सेल्फलेसनेस कि बगैर खुद के जो काम करते हैं दूसरों के लिए जो काम करते हैं उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कैलाश सत्यार्थी मलैनियम अ पीरियड ऑफ अ इयर्स हजार साल का दौर कोरोना वायरस इज द मोस्ट मिस्टीरियस डिजीज ऑफ द मेलेनियम (कि इन हजार सालों में जो सबसे मिस्टीरियस डिजीज है मतलब जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है वो कौन सी है कोरोना वायरस ग्रेट साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की, की तरह जो होते हैं वो हजार सालों में एक बार ऐसे पैदा होते हैं एक्सपैंड द गिंग थीम्स नीचे दिए गए जो जुमले हैं हमें उनको डिटेल में समझाना है मेक यूज ऑफ द सपोर्ट और हिंस ये जो यहाँ हमें हिंस दिए गए हैं आप उनकी मदद से इन जुमलों को समझाइए शुरू करते हैं इफ आई फॉल एल ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम अगर फाइनल एग्जाम के वक्त मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं क्या करूंगी आई विल इमीजिएटली इन्फॉर्म माई स्कूल प्रिंसिपल और हेड मास्टर अबाउट इट मैं अपने स्कूल प्रिंसिपल को इस बात की इतला दूंगी आई विल आस्क देम आई हैव इन सच अ केस

तो मैं अपने प्रिंसिपल से दरख्वास्त करूंगी कि मुझे अलग बैठने की जगह दी जाए और मैं अपने क्लास टीचर की मदद लेना चाहूंगी आई विल ट्राई टू बी काम एंड पेशेंट एंड प्रिपेयर टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज मैं सब्र और सुकून के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी करूंगी। इफ यू मीट अ डिजेबल्ड पर्सन हु नीड्स हेल्प अगर आप किसी मासूर इंसान से मिलते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है तब आप क्या करेंगे आई विल आस्क हिम वॉट काइंड ऑफ हेल्प ही नीड्स मैं उनसे पूछूंगी उन्हें किस तरीके की मदद की ज़रूरत है आई विल हेल्प हिम माई सेल्फ इफ़ आई कैन और हेल्प हिम गेट इन टच विद पीपल हु कैन हेल्प हिम अगर मैं खुद मदद कर सकती हूँ तो मैं खुद मदद करूंगी, वरना जो उनकी मदद कर सकते हैं मैं उन उनसे रापता करने की कोशिश करूंगी I will make sure to stay with him until he gets the help he wants. और मैं उनके साथ रुकूंगी जब तक कि उन्हें मदद ना मिले If my friend is in trouble, अगर मेरी सहेली किसी परेशानी में है I will first comfort her and tell her I am there to help her. सबसे पहले मैं उसे तसली दूंगी उससे कहूंगी कि मैं वहां हूं उसकी मदद के लिए Then I will ask her what kind of trouble she has. फिर मैं उससे पूछूंगी कि वो किस तरीके की मुश्किल में है आई विल ट्राई टू हेल्प फॉर माई सेल्फ बट इफ वी नीड हेल्प ऑफ आर पेरेंट्स मैं पहले खुद उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी लेकिन अगर मैं वो करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं हमारे वालदेन की मदद लूंगी हमारे पेरेंट्स की और कोई दूसरे बड़े हैं उनकी मदद लेने की कोशिश करूंगी और उनसे सलाह लूँगी आई विल इन्श्योर हर दैट आई विल ऑलवेज बी देर फॉर हर नो मैटर वॉट द प्रॉब्लम इज और मैं इस उसे इस बात पर यकीन दिलाऊँगी कि चाहे किसी भी तरीके की मुश्किल हो मैं हमेशा उसके साथ हूँ If you meet a great person like Dr. Stephen Hawking, अगर आप डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जैसे अजीम शख्सियत से मिलते हैं तब I will tell him how much I admire him and how he motivates me. मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उनकी कितनी कदर करती हूँ और वो मुझे किस तरह हौसला देते हैं आई विल रिक्वेस्ट हिम टू शेयर हिज लाइफ स्टोरी विद मी मैं उनसे अल्तजा करूंगी कि वो अपनी ज़िंदगी की कहानी मुझसे I आई विल आस्क हिम फॉर टिप्स एंड एडवाइस टू सक्सीड इन लाइफ लाइक did। मैं उनसे टिप्स लूँगी मैं उनसे सलाह मांगूंगी कि वो जैसे ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं मैं भी उनकी तरह बन सकूं।

राइट एन एमेजनरी डायलॉग बिटवीन यू एंड हिम और हर उनके साथ एक ख्याल में मकालमा लिखें जैसे कि एक इंटरव्यू यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द हिंस प्रोवाइडेड आप दी गई हिदायत की मदद ले सकते हैं इंट्रोडक्शन यानी तारुफ वेलकम ख़ुश आमदीद ग्रीटिंग्स हेलो वग़ैरह कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑनरिंग मुबारकबाद हज़त अफज़ाई कॉज रीज़न फॉर द डिज़िलिटी माजूरी की वजह डिसीजन, फ़ैसला प्लान मंसूबा, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, इम्प्लीमेंटेशन नफाज इन चीज़ों की मदद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाए आइडल्स इन लाइफ किन लोगों से वो मुतासर हुए पेरेंट्स फ्रेंड्स वालदेन दोस्त कोई और हामी सपोर्ट सक्सेस स्टोरीज एकमेंट्स कामयाबी की कहानियाँ कारनामे कंक्लूजन फ़ाइनल मैसेज नतीजा और आखिरी पैगाम हमने जो पर्सनालिटी चूज की है उनका नाम है मिस ईरा सिंगल जिन्होंने 2014 में आई एग्जाम को टॉप किया था ऐसा करने वाली वो पहली माजूर खातून थी इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं आई जो है वो इंटरव्यूअर के लिए है हेलो मिस ईरा इट्स एन ऑनर टू मीट यू टुडे तो इंटरव्यूअर ने Greetings से शुरुआत की है कि हेलो मिस इरा आज आपसे मिलकर वाकई बहुत एहसास महसूस हो रहा है फिर इरा जवाब देती हैं थैंक यू आर वेरी काइंड शुक्रिया आप बहुत मेहरबान हैं फर्स्टली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट ऑफ टॉपिंग द 2014 यूपीएससी एग्जाम एंड बिकमिंग द फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड वुमेन इन इंडिया टू डू सो सबसे पहले मैं आपको 2014 के यूपीएससी के इम्तिहान में टॉप करने और ऐसा करने वाली हिंदुस्तान की पहली माजूर खातून होने पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ थैंक यू आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाई योर स्टोरी एंड वुड लव टू नो मोर अबाउट योर जर्नी टू हेल्प मी अचीव सक्सेस इन माई लाइफ जस्ट लाइक यू डेड आपकी कहानी से मैं बहुत मुतासर हुई हूँ आपके सफर के बारे में मजीद जानना चाहती हूं ताकि मैं भी आपकी तरह अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकू शपी टू शेयर माई spine स्पाइन disorder, which मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज my आर्म्स नॉर्मली लाइक अदर्स फ्रॉम द वेरी beginning ऑफ my लाइफ आई फेस्ड numerous चैलेंजेस तो अब इरा जो है अपना जो जिंदगी में उन्होंने चैलेंज फेस किया है वो बता रही हैं एक्सपीरियंस जरूर मैं खुशी से आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करूंगी मुझे एक बीमारी है जिसे स्कोलियोसिस कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी से मुताबिक एक मसला है इसकी वजह से मेरे लिए अपने बाज़ुओं को दूसरों की तरह मामूल के मुताबिक इस्तेमाल करना मुश्किल होता है मेरी जिंदगी के आगाज से ही मुझे बेशुमार चैलेंजेस चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हाउ डिड यू प्लान टू ओवरकम दीज चैलेंजेस आपने इन चैलेंजेस पर काबू पाने का मनसूबा कैसे बनाया एज अ चाइल्ड माई पेरेंट्स टॉट मी नॉट टू कंसिडर माई डिजेबिलिटी एज अस आई डिड एवरीथिंग लाइक अदर चिल्ड्रेन एज मच एज आई कुड आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग एंड एम बी ए एंड आई वर्कड एज अ स्ट्रैटी मैनेजर एट कैडबरी बट आई वॉन्टेड टू सर्व माई नेशन थ्रू द आई ए एस सो आई डिस टू क्विट माई जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यू पी एस सी बचपन से ही मेरे वालदेन मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि मेरी माजूरी को मैं अपनी कमजोरी बनने ना दूँ मैंने वो सब कुछ किया जो दूसरे बच्चे करते थे मैंने अपनी इंजीनियरिंग और एम बी ए पूरा करने के बाद कैडबरी कंपनी में स्ट्रैटेजी मैनेजर की हैसियत से नौकरी की लेकिन मुझे आई के जरिए अपने कॉम की खिदमत करनी थी इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़कर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी हुर बिगेस्ट सपोर्ट इन लाइफ आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था माई पेरेंट्स आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ दे सपोर्टेड मी इन एवरी थिंग आई डिड मेरे वालदेन मेरे सबसे बड़ी ताकत है उन्होंने मुझे हर चीज में सहारा दिया वुड यू लाइक टू गिव सम एडवाइस क्या आप कुछ मशवरा देना चाहेंगी यस सम एंड वीक लर्न टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वर्क ऑन देम यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल जी हां जरूर हर किसी के पास कोई खूबी और कोई कमजोरी होती है आपको अपनी खूबियों को पहचान कर उन पर काम करना चाहिए और अपना मुवाना दूसरों से नहीं करना चाहिए तब भी आप कामयाब हो सकते हैं लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एजेक्टिवस पहला वर्ड जो है हमारा एक एडजेक्टिव है आखिरी लेटर यूज करके हमें चेन बनाना है और एजेक्टिवस के साथ तो पहला वर्ड है क्रूअल लायर रूड

कम्प्लीट द फॉलोइंग वर्ड चे इन एनी वे तो अब आप वर्ड का किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिक्स साइंस इकोनॉमिक्स सोशल साइंस इंग्लिश अड वर्ड द फॉलोइंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफ द सेम मीनिंग तो हमें एक्सक्लेमेशन अब जो है लगाना है इन सेंटेंसेस के आगे इन्हें एक्सक्लेमेटरी बनाना है Dr. Hawking is a very humble man. Iska is, what a humble man Dr. Hawking is. He was very clumsy. How clumsy he was. He was very simple and intelligent. How simple and intelligent he was. Courage is a truly wonderful thing. What a wonderful thing courage is. अब इन सेंटेंसेस में ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये वर्ड से क्यों शुरू होता है हाउ से क्यों शुरू होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है ये सब आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं इसमें बहुत ही डिटेल में हर एक स्टेप को समझाया है और काफी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टू इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म तो अब जो है से इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये ध्यान रखते हुए कि मीनिंग जो है वो बदलना नहीं चाहिए पहला सेंटेंस द प्रोग्नोसिस वॉज बैड वॉजन द प्रोग्नोसिस बैड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च डिड इन स्टीफन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च देर आर मैनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जेम्पलरी करेज आर द मैनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जेम्पलरी करेज हिज माइंड वुड सो रप इन टू स्पेस लाइक लाइट

मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए